Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हर बात से सिद्ध होता है कि गंगा की पवित्रता दरअसल वैसे तो आस्था से जोड़कर इसे देखा गया है। गंगा नदी को माँ का दर्जा भी दिया गया है। गंगा नदी की पवित्र कथा का आंकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें नहाने से सभी के पाप धुल जाते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म के मुताबिक और कहा यह भी जाता है कि इसका पानी इतना पवित्र है कि ये ना तो सड़ता है और ना इसमें कीड़े पड़ते हैं, ना इस पानी में बदबू ही आती है। अब ज़रा आप इस बात से ही अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी और नदी का पानी या फिर अपने फिल्टर या घर का पानी किसी बॉटल या बर्तन में भर कर रखते हैं तो कुछ समय के बाद उस पानी में काई जम जाती है, पानी में बदबू भी आने शुरू हो जाती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं। लेकिन गंगा नदी के पानी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसे पवित्र माना गया है और इसी कारण गंगा नदी की पूजा अर्चना भी की जाती है। आस्था के नाम पर गंगा नदी को गंगा नदी नहीं बल्कि गंगा माँ कहा जाता है। बता दें कि गंगा के पानी में एक ऐसा चमत्कार वायरस है जिसका रहस्य बहुत गहरा है। इस बात का आकलन किया जाता है और रिसर्च करने पर इस पर अनगिनत बार रिसर्च भी हो चुके हैं। कहने को तो भारत में कई नदियाँ बहती हैं, लेकिन बात हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि लोग अक्सर गंगा के पानी की खूबियाँ बताते रहे हैं। वैसे कुछ लोग आज भी गंगा को सिर्फ एक नदी के रूप में मानते हैं और इसी सोच वाले ने गंगा की धारा पर तमाम जुल्म भी किए हैं और कई कर भी रहे हैं। गंगा में नाले बहाए, लाशें फेंकी गईं, कचरा डाला गया, इन सब के बावजूद गंगा का पानी दूषित नहीं होता है। इसके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। हालांकि गंगा का पानी कभी ना ख़राब होने के कारण एक वायरस बताया जाता है। दरअसल इस नदी में कुछ ऐसे वायरस मिलते हैं जो इसमें सड़न पैदा होने से रोकते हैं। बता दें कि 1890 के दशक में फेमस ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा के पानी पर रिसर्च भी किया था। बताया जाता है कि उस समय हैजा फैला हुआ था, मरने वालों की बॉडी को लोग गंगा नदी में फेंक दिया करते थे, लेकिन गंगा हैंकिन को डर था कि गंगा में नहाने वाले दूसरे लोगों के भी हैजा अपने चपेट में ना ले ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैज्ञानिक हैंकिन इस बात को लेकर हैरान थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि यूरोप में गंदा पानी पीने के कारण दूसरे लोगों को भी बीमारी की चपेट में आती है। हालांकि गंगा के पानी का ऐसा जादू असर देखकर वो हैरान हो गए थे। बता दें कि हैंकिन की इस रिसर्च को 20 वर्ष बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक इसे और आगे लेकर आए। इस वैज्ञानिक ने जब गंगा को लेकर और भी शोध किए तो पता चला कि गंगा के पानी में मिलने वाले वायरस कॉलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुलकर उन्हें ख़त्म करते हैं और इस वायरस की वजह से ही गंगा का पानी शुद्ध रहता है और इस वायरस के कारण ही नहाने वालों के बीच हैजा जैसी बीमारी ने कोई हानि नहीं की। अब किसी भी पवित्र काम को और भी पुष्ट करने के लिए गंगा नदी के पानी को इस्तेमाल में लिया जाता है। इसे गंगा जल पानी या पवित्र जल भी कहते हैं। अगर यह आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।